गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 23 सितंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जितने लोग लेक्चर्स देख रहे हैं उतने लोग क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जो कि शाम को टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो क्विज़ है ये आप लोगों के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। जो लोग अटेम्प्ट करते हैं उनको ये पता होगा, एक तो सुबह में लेक्चर आप देख लेते हैं, क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया, जब शाम को आप क्विज को अटेम्प्ट करते हैं तो ये रिवीजन हो जाता है। इसके बाद इन सब चीज़ों को आप आसानी से फ्यूचर में अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से रिकॉल कर लेंगे। ओके, तो यही रीज़न है कि क्विज को सेम डे में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसे आप अटेम्प्ट किया कीजिए। लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय प्राकृतिक राल और गौन संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 97th। चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि क्वेश्चन जस्ट एक बहाना है, क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ बहुत कुछ एक्सप्लेन करके बताया जाता है, डिटेल में दिया जाता है ये जो PDF है। रीज़न यही है कि आपकी जो तैयारी है वो जैसे CGL के प्रीलिम्स तक ना रख कर JPSC के प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी आप आसानी से कर पाएं, यही उद्देश्य को लेकर इन लेक्चर्स को बनाया जाता है। तो यही रीज़न है कि लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए इसका एक्सपेंशन देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय प्राकृतिक राल और गौन संस्थान ने अपना 97th स्थापना दिवस मनाया है। ये जो है भारतीय प्राकृतिक राल और गौन संस्थान, इसकी स्थापना 20 सितंबर 1924 को नामकुम रांची में की गई थी, ठीक है। कब? 20 सितंबर 1924 को। पूर्व में इसका नाम भारतीय लाख शोध संस्थान, ओके, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट था। स्थापना दिवस समारोह में भारतीय प्राकृतिक राल और गौन संस्थान के दो नेटवर्क प्रोजेक्ट पर चर्चा और आम लोगों को इस प्रोजेक्ट से अवगत भी कराया गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ये जो संस्थान है, ये जो परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने 1 अप्रैल 1966 को भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया था। ओके, भारतीय प्राकृतिक राल और गौन संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन चौथा सबसे पुराना संस्थान है तथा 87 से अधिक वर्षों से राष्ट्रीय सेवा में संलग्न है। ओके, उस समय के शाही सरकार द्वारा भारतीय लाक उद्योग की स्थिति की जांच और इसके विकास के लिए गठित रेंडसे हार्लो समिति ने भारतीय लाक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। ओके, तो ये काफ़ी कुछ है जिससे आप इसके बारे में जान जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कैग कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र रिपोर्ट के अनुसार, इसका ये जो रिपोर्ट था तो इसके अकॉर्डिंग नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में जुटे कितने प्रतिशत पुलिस कर्मियों के पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी है? तो ये जो रिपोर्ट आया था तो इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है 30, 32, 34, 35, तो 32 इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, 32% पुलिस कर्मियों, ऐसे पुलिस कर्मियों जो कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी देखी गई है। ओके, चलिए जान लेते थोड़ा सा और इसके बारे में। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र रिपोर्ट के अनुसार नक्सलियों के विरुद्ध, देखिए मैंने कहा है कि ये जो हिंदी टाइपिंग होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंग्लिश के रिस्पेक्ट में, यही रीज़न है कि कुछ कुछ एरर आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए नक्सलियों लिखा हुआ है, ठीक है। तो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में जुटे पुलिस कर्मियों के पास 32% अत्याधुनिक हथियारों और बचाव के उपकरणों जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी है। झारखंड में नक्सलियों के विरुद्ध बहुत सारे अभियान वर्तमान में चलाए जा रहे हैं, खास करके लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेटा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैग रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि जिन पुलिस कर्मियों को
नक्सलवाद इलाकों के खिलाफ लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया है उनमें से 35% पुलिसकर्मी बाद ज़्यादा उम्र की वजह से अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए बाद में। ओके, कुछ और चीज़ें जैसे कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के कैग हैं। ओके, वे भारत के 14वें कैग हैं। कैग को प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। हर लेक्चर में जनरली एक ही क्वेश्चन होता है लेकिन आज दो क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि गिरीश चंद्र मुर्मू कैग बनने के पहले क्या थे, या फिर अगर कुछ पोस्टेड थे तो किस स्टेट से थे या फिर यूनियन टेरिटरी से थे। तो डिटेल में आपको विद इन वन या टू सेंटेंस में आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैग का कार्यकाल जो होता है ये 6 साल का होता है या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए, और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों बहुत ही दिक्कत चल रहा है अभी, आप देख रहे हैं कि मौसम कैसा है, हमेशा बरसात का फीलिंग आते रहता है कि सावन आ गया है, बरसात हो रही है, जिससे अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती रहती है। तो जस्ट अभी इलेक्ट्रिसिटी आई इसलिए पंखों की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन काफ़ी अच्छा है, आराम मिल रहा है थोड़ा सा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आपसी पारिवारिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है। तो विचार विमर्श, समाधान, मध्यस्थता या फिर सुलह। तो ये जो आप देख रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आपसी पारिवारिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई है, कौन सा, ऑप्शन सी मध्यस्थता। ओके, तो ये इसका सही आंसर है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। इस अभियान की शुरुआत 21 सितंबर से की गई है। ये अभियान 5 दिनों तक चलेगा जिसमें कि 156 पारिवारिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। ये जो अभियान है इसकी शुरुआत पूर्व फैमिली कोर्ट जज पीयूष कुमार के जरिए की गई है। सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है जिसमें दोनों पक्षकार, उनके अधिवक्तागण और मध्यस्थ सभी अपने आवासीय कार्यालय से जुड़कर मध्यस्थता की कार्यवाही कर रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए झारखंड की जब बात होती है वैसे तो सेंट्रल लेवल में जो करंट अफेयर्स होते हैं वो मिल जाते हैं काफ़ी, ठीक है, लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं, खासकर झारखंड की बात करते हैं, तो उतने करंट अफेयर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम इतना ही हो पाता है, लेकिन जितने भी करंट अफेयर को यहाँ पर लाया जाता है, जो कंटेंट में रखा जाता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंट हो वैसा ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यूज़ में कुछ भी हो उसे आप क्वेश्चन के माध्यम से बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि लंबा लंबा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन के बहाने काफ़ी कुछ आप जान जा रहे हैं। हो सकता है कि इन क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि इसका एक छोटा सा पार्ट आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब पहली बार, यानी कि अब तक के राज्य के किसी भी खाद्यान्न योजना में इनमें से किन्हें शामिल किया गया है, ठीक है, पहली बार इनमें से किन्हें शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर, 40% से अधिक दिव्यांग, असाध्य रोग जैसे कि कैंसर, कुष्ठ रोग से पीड़ित, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से ए बी सी सही है, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। झारखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब पहली बार ट्रांसजेंडर, 40% से अधिक दिव्यांग और असाध्य रोग जैसे कि कैंसर, कुष्ठ रोग से पीड़ित श्रेणी के लोगों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन लोगों को भी प्रति माह 1 रुपये की दर से 5 किलो अनाज दिया जाएगा। इस योजना के लाभुकों को हरे रंग का राशन कार्ड दिया जाएगा। 15 नवंबर से इस योजना को राज्य में लागू किया जाएगा। लाभुकों का चयन निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। परिवार में महिला मुखिया के चयन को ही प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, महिला मुखिया। परिवार के मुखिया के जन्म तिथि की जानकारी अनिवार्य होगी। आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। इसमें जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वालों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। झारखंड केमिकल सोसाइटी के द्वारा आयोजित इनोवेटिव डेटा टूल्स फॉर केमिकल एंड लाइफ साइंसेस रिसर्च
अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कुल कितने देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 21, 22, 23, 24। तो ऑप्शन डी, 24 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। डिटेल में से देखते हैं। झारखंड केमिकल सोसाइटी के द्वारा आयोजित इनोवेटिव डेटा टूल्स फॉर केमिकल एंड लाइफ साइंसेज रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कुल 24 देशों के 560 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। और ये 24 देश कौन कौन से थे? इंडिया, यूके, फ्रांस, अल्बानिया, साउथ कोरिया, चाइना, ब्राज़ील, नेपाल भी इसमें है। तो ये जो लिस्ट है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका डिटेल में नाम हो गया। कार्यक्रम का संचालन व विषय प्रवेश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रसायन विभाग के डॉक्टर राजीव रंजन के द्वारा किया गया है। झारखंड केमिकल सोसाइटी रांची में स्थित है। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन है। खूंटी जिले के सभी 760 गांवों को दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए खूंटी के गांव के द्वारा कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है? ऑप्शंस क्या हैं? आरा कैरम का विकास मॉडल, आरा का विकास मॉडल, कैरम का विकास मॉडल, या फिर आरा करम का विकास मॉडल। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ऑप्शंस ए और डी काफ़ी मिलता जुलता है। इसका ऑप्शन ए जो है, आरा कैरम का विकास मॉडल, ये इसका सही आंसर है। डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिए। आरा कैरम जो कि रांची के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है, ये एक गांव का नाम है, ठीक है। यह राज्य का पहला नशा मुक्त जनजाति गांव है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखिए, मैंने कहा कि क्वेश्चन यहाँ पर लंबे लंबे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से कितने छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यहीं पर आप देख लीजिए। यह राज्य का पहला नशा मुक्त जनजाति गांव, एक क्वेश्चन ही बन गया। आरा कैरम कहाँ है? तो आरा कैरम रांची के ओरमांझी प्रखंड स्थित एक गांव का नाम है, और ये कहाँ है? ओरमांझी में स्थित है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जस्ट बना के पेज नहीं भरना है। एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी कहा है, पहले भी वीडियो में भी कहा है कि उद्देश्य जो है मेन, वो क्या है कि जेएससी और जेपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर जेपीएससी मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी आप आसानी से कर पाएँ। इस तरह का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करें आपको। ओके, तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बदले में हम लोग आपसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। आप वीडियो देखते हैं बिना लाइक कमेंट किए चले जाते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। हम लोग इतना करते हैं तो आप इतना कर सकते हैं, और हमें और भी अच्छा लगेगा अगर आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, गांव के लोगों ने खेती और पशुपालन के क्षेत्र में नए प्रयोग कर एक मिसाल पेश की है। इसी आरा कैरम गाँव की तर्ज पर अब खूंटी जिले 760 गाँव में से खूंटी जिले के 760 गाँव में से 80 गांवों में इसके मॉडल को अपनाकर कार्य शुरू कर दिया है। धीरे धीरे इसे पूरे गांव में लागू किया जाएगा। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के अलंकेल टोला से इस मॉडल पर काम शुरू किया गया है। ओके, कुछ और चीज़ें हैं जिस चीज़ की बात हो रही है आरा कैरम मॉडल, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। गाँव में प्रतिदिन 200 लीटर दूध और तकरीबन 1.5 टन सब्जी का उत्पादन होता है। शराब पर तो पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। गांव की 95% आबादी आज आजीविका के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। लगभग 35 एकड़ भूमि में ड्रिप इरिगेशन तकनीक से खेती की जाती है। यहां 400 एकड़ में फैले वन क्षेत्र को बचाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। कुछ और चीज़ें जैसे कि खूंटी जिला जो है, यहाँ पर खूंटी की बात हो रही है, तो खूंटी जिला जो है, अच्छा बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है तो आप उसके बारे में डिटेल में बताइए कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका डिटेल बताने के लिए कहा गया था, तो ये ध्यान में रखा गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खूंटी की बात हुई है, तो खूंटी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि खूंटी जिला जो है, तो इसका गठन 12 सितंबर 2007 को हुआ था। अनुमंडल इसमें सिर्फ एक है, सब डिवीजन जिसे बोलते हैं, प्रखंड 6 है, खूंटी, तोरपा, मुरहू, अड़की, कर्रा और रनिया। विधानसभा क्षेत्र जो है वो 2 है, कौन कौन सा? खूंटी और तोरपा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है यहाँ पर, कितना है? 73.25%। इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं? पंचघाट जलप्रपात, रानी जलप्रपात, टोमरी पहाड़ी, उलिहातू। ओके,
चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 14। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने प्रखंडों में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शंस क्या हैं? 8, 18, 20, 24। तो आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो लोग जैसे जेपीसी की तैयारी करते हैं, जो इनके एस्पायरेंट हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। इसमें खासकर झारखंड का जो सेक्शन है उसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उन टॉपिक्स के लिए क्वेश्चन क्विज ऑर्गेनाइज भी किया जाता है टेलीग्राम में, और जो भी नोट्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाता है। ओके, तो यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के लिए वीडियो में। धन्यवाद।